मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फ्लोरा अकेडमी। आज फिर से आपके लिए हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं ग्रामर का, जो 10th और 12th दोनों में काम आएगा। तो आपको यहाँ पर अब इन सेंटेंसेस को समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने सिर्फ याद रखना है कि अगर इस प्रकार के सेंटेंस आ जाएँ तो आपने कौन सा ऑप्शन इसमें करना है, ये आपके टोटली आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो आपको फर्स्ट है, देखिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी, ट्रेन पहले ही, तो इसमें लीव और लेफ्ट वर्ड दिया हुआ है, तो आपने लेफ्ट को यूज़ करना है। नेक्स्ट वन है आपका, शी इज़ थिंकिंग ऑफ, वो सोच रही है, किसका सोच रही है, यहाँ पे बाय और बाइंग, तो इसमें से बाइंग का सोच रही है। अब क्या खरीदने का सोच रही है, इसमें आगे भी इसमें दिया नहीं हुआ, तो आपने इसमें बाइंग का यूज़ करना, बाइंग। नेक्स्ट वन है आपका नंबर 3, रिपेयर द विंडो जस्ट नाउ, अभी तुरंत विंडो को रिपेयर कर दीजिए, कौन सी विंडो, टूटी हुई, ब्रोकन। उसके बाद है आपका, माई यंगर ब्रदर यूज टू टेनिस, मेरा छोटा भाई टेनिस खेलता था, तो यहाँ पे टू के बाद हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपका, माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी एक टीचर है, इसमें ऑप्शन रिटायर्ड और रिटायरिंग दिया है, तो आप इसमें से रिटायर्ड टीचर का ऑप्शन इसमें से लेंगे आप। नेक्स्ट है, आई मेट अ मैन, लेग वॉज ब्रोकन, मैं एक व्यक्ति से मिला, टांग टूटी हुई थी, इसमें जिसकी ऑप्शन छूटा हुआ है, तो जिसके के लिए होज, जिसकी टांग टूटी हुई थी। नेक्स्ट है आपका, रानू इज फुटबॉल, इसमें प्ले और प्लेइंग ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से आप इसमें प्लेइंग का यूज़ करेंगे आप, तो रानू इज प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है मोहन इन्वाइट्स ऑन हिज बर्थडे पार्टी, मोहन अपने बर्थडे पार्टी पर इन्वाइट करता है, किसको करता है, तो यहाँ पे देम का ऑप्शन करेंगे आप इसमें चूज। नेक्स्ट है आपका, व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल, जब हम सिनेमा हॉल पहुँचे, द फिल्म हैड, फिल्म शुरू हो चुकी थी, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे हैड के बाद, इसमें बिगिन फर्स्ट फॉर्म है, बिगिन सेकेंड एंड बिगन थर्ड है, तो इसमें बिगन गन वाला लेंगे, जी यू एन ऑप्शन इसमें से आप लेंगे। नेक्स्ट वन नंबर 10, ममता फेल्ट टायर्ड, शी हैड बीन इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, ममता को थकान महसूस हुई, वो तालाब में तैर रही थी सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो इसमें से आप स्विमिंग का ऑप्शन उठाएंगे आप। नेक्स्ट है आपका 11, द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, खबर पढ़ते ही वो निराश हो गया, रीडिंग अक्सर कर, जब यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया है, खाली दिया है, और यहाँ पर आईएनजी का ऑप्शन दिया हुआ कोई भी, तो इसमें ध्यान रखिएगा आईएनजी का ऑप्शन ही इसमें लगाएंगे आप। उसके बाद 12, दिस इज़ अ वेरी लाइट बॉक्स, ये बहुत ही हल्का बॉक्स है, यू लिफ्ट इट, आप इसे उठा सकते हैं, इसमें आप केन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका है, आई यूज टू इन द रिवर व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं नौजवान था, नदी में तैरा करता था, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जब टू के बाद की बात हो, टू के बाद हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर टू है, तो टू में स्विम का यूज़ करेंगे, ना कि स्विमिंग। नेक्स्ट वन, दे लिसन टू द जोक एंड टू लाफ, जोक को सुनते ही वो हंसने लगे, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बिगेन। नेक्स्ट है 15, द मून ब्राइटली इन द स्काई, यहाँ पे शाइन और शाइन्स दो ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर मून जो सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें आप शाइन्स वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका है, पूनम डिसाइडेड अलोन, पूनम ने निर्णय लिया है अकेला जाने का, तो यहाँ पर टू गो जाने का। 17, शी टॉट इन दिस स्कूल, वह इस स्कूल में पढ़ा चुकी है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, और यहाँ पर सिंगुलर होने के कारण हैज को उठाएंगे आप, इसमें से हैज को फिल करेंगे। नेक्स्ट वन है, द स्टूडेंट इन दिस ग्राउंड डेली, विद्यार्थी इस स्कूल में खेलता है, तो इसमें द स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये सिंगुलर है, फिर यहाँ पे प्लेस को ही लेंगे आप, प्रेजेंट डेफिनेट है ये। उसके बाद है, इट वॉज एक्सीडेंट दैट शी फेल डाउन,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आर्टिकल ए एंडा का यूज़ करना है, तो एक्सीडेंट यहाँ पर आपका वोवेल है, वोवेल होने के कारण एन का यूज़ करेंगे आप। नेक्स्ट में है आपका विल यू प्लीज़ गिव मी मनी, क्या मुझे आप पैसे देंगे, यहाँ पे एनी और सम का यूज़ हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव होने के कारण यहाँ पे आप एनी का नहीं, यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे आप, इंटरोगेटिव है, लेकिन कोई पैसे का यहाँ पर सेंस नहीं है, कुछ पैसे से मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है आपकी, रिक्वेस्ट होने के कारण आप सम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका आई डोंट नो ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो ही विल कम और नॉट, इसमें वेदर का यूज़ करेंगे, वेदर कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो वेदर का यूज़ करेंगे आप ही। नेक्स्ट वन 22, आई कमिंग सर, आई कमिंग सर, स्टार्टिंग में आपका ब्लैंक है, मे और कैन में से यूज़ करना है, सभी को मालूम है मे का यूज़ करेंगे, मे आई कमिंग सर। नेक्स्ट वन ही इज अनेस्ट मैन, आर्टिकल आपने फिल करना है, ये भी मालूम है, एन का यूज़ होगा यहाँ पर। 24, द स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट ने कहा, क्या कहा, सर आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज़, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट करने के लिए हम मे का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन ही वॉज एबसेंट, वह एबसेंट था, ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि ये भी मालूम आपको बिकॉज। नेक्स्ट वन यू हैव टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ेगा, द सिग्नल इज ग्रीन, जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता, जब तक नहीं हो जाता, यहाँ पे अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूट द मनी, डिस्ट्रीब्यूट द मनी राम एंड श्याम, तो यहाँ पर अमंग और बिटवीन का यूज़ किया गया है, जब दो की बात होती है, चाहे वो दो व्यक्ति हो, चाहे वो दो टीम हो, चाहे वो दो ग्रुप हो, या फिर दो देश हो, तो वहाँ पर हम दो की बात जब चल रही है तो बिटवीन का यूज़ करते हैं, और जब क्राउड बहुत ज़्यादा लोगों की या बहुत सारी चीज़ों की बात होती है तो हम अमंग का यूज़ करते हैं, यहाँ पर दो हैं तो दो के लिए हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतने वीडियोज़, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो अभी ये फ्लोरा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.floraacademy.com पर भी मिल सकते हैं, और साथ ही आप प्ले स्टोर से फ्लोरा एकेडमी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स।